जो थोड़े बहुत कपड़े यूज हो चुके हैं आपके या फिर थोड़े डिफेक्टिव कपड़े हैं एंड फैक्ट्रीज उनको डिस्कार्ड कर देती है उनको आप बहुत कम अमाउंट में बेचते हैं वापस से तो माइनर डिफेक्ट्स जो डिस्कार्ड डिस्कार्डेड क्लोथ होते हैं बाय दी फैक्ट्रीज उनको आप रीसेल करते हैं एंड देन उसी को हम थ्रिफ्टिंग कल्चर बोलते हैं तो थ्रिफ्ट स्टोर्स का भी नंबर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है जेन जी और मिलेनियल्स के अंदर भी रिसाइकलिंग करने का कपड़ों को ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हम देख रहे हैं तो इससे क्या होता है सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होती है कोई एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए इसके लिए कोई एक्सट्रा लेबर नहीं इसके लिए चाहिए एंड कोई कार्बन यूज नहीं होता फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड कोई मनी स्पेंड नहीं होता ऑन दी मार्केटिंग सो ऑलरेडी जो कपड़े बने हुए हैं इट इज वन ऑफ इट्स काइंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ग्लोबल थ्रिफ्ट रिटेलर का दैट इज कॉल्ड थ्रेड अप जिन्होंने बोला है कि जो सेकेंड हैंड एप्रल की मार्केट है इट हैज ग्रोन बाय एटीन परसेंट एंड ये पहुंच गई वन हंड्रेड एंड नाइन्टी है वो हमारी रीच होने वाली है $350 तक the, the 2028. तो यहाँ पे जो थ्रिफ्टिंग कल्चर है ये देखा जाता है इंडिया में काफी अच्छे से पहले से ही प्रैक्टिस किया जा रहा है एंड इसमें रोल है कि जो रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर्स हैं वो भी इसको प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से जेन जी एंड हम बोल सकते हैं कि जो मिलेनियल्स है इसको और भी ज्यादा अडाप्ट कर रहे हैं तो फास्ट फैशन इंडस्ट्री जो कि इंडिया के अंदर भी है बांग्लादेश के अंदर भी है वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है फास्ट फैशन के साथ जिसमें लेबर एक्सप्लॉयटेशन से लेकर रिसोर्सेस भी एक्सप्लॉयट की जाती हैं क्योंकि हमें पता है कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो वाटर इंटेंसिव भी है एंड ऑल्सो कार्बन एमिशन इंटेंसिव भी है जो ट्रांसपोर्टेशन है लॉजिस्टिक है एंड ऑल्सो का प्रोसेस है उसमें भी कार्बन एमिशन होता है तो जीरो वेस्ट नहीं है तो एक तरीके से रिसोर्सेस की रिसाइकलिंग हम कर रहे हैं एंड थ्री पीस जिसमें प्लानिट पीपल एंड प्रॉफिट तीनों की सस्टेनेबिलिटी हम मेनटेन करते हैं विद्रिफ्टिंग कल्चर तो यूथ में स्पेसिफिकली देखा गया है कि Change हुआ है 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 पुराने से लेके अभी तक देखते हैं तो second hand apparel की जो वो हुई इसका यही होता है कि डिफेक्ट जो होते हैं वो माइन्यूट होते हैं तो वो आपको पता नहीं चल पाते हैं प्राइस काफी लोअर होता है इंडिया के अंदर भी देखा गया है बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स भी हैं जो कि सेकंड सेकंड हैंड एप्रल मार्केट के ही नाम से बेस्ड भी हैं जैसे दिल्ली के अंदर फेमस सरोजनी मार्केट एंड आल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं इंस्टाग्राम बेस्ड है या फिर किसी और वेबसाइट पे बेस्ड है क्लोथ्स so uh, की तो ओवरऑल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल हम बना पा रहे हैं थ्री पीस जिसमें पीपल प्रॉफिट एंड प्लानिट उसको हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ड्रास्टिक फॉल इन पॉवर्टी तो यहाँ पे देखा जा रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में एंड इंडिया में 2015 से लेके 16 की बात करते हैं तो 24% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी बट अभी 2019 से 21 की बात करते हैं तो 17% हो, 14% हो चुकी है तो यहाँ पे हमने डिक्रीज देखा है इन मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल इसके अलावा एस सी एस का भी जो डेटा है दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पन एक्सपेंडिचर सर्वे वो भी हमें बताता है कि कैसे जो कंजम्पन पैटर्न है रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में चेंज हुआ है तो इंडिया ने क्लेम किया था जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया था 135 मिलियन पीपल जो वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव मिलियन पीपल जो है लेकर ट्वेंटी वन के बीच में तो इसको भी कंफर्म किया गया है जो दूसरे रिपोर्ट लाई गई हैं दूसरे मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो स्टेटिस्टिक्स दिया गया है 15 जो कंट्री का है वो बाहर निकला है यहाँ पे अगर डेटा की बात करते हैं परसेंटेज ऑफ मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन जो पॉवर्टी में अभी रह रहे हैं तो सारी रेंज में हमने डिक्रीज देखा है फिफ्टीन में 24 परसेंट था तो 2019-21 में 14 परसेंट है जिसमें इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है लेबर पार्टिसिपेशन का लेबर कोड्स का फॉर्मलाइजेशन ऑफ दी गिग वर्कर्स एंड एमजी नरेगा जैसे डेली वेजेस स्कीम्स जो कि रूरल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए एक्टिवली काम करते हैं देन आल्सो का रोल आ जाता है वेमेन को एम्पावर करने के लिए एंड जो वेमेन एंड चिल्ड्रेनरेबल सेक्शन में बेनिफिशरीज हैं आंगनवाड़ीज एंड एस उनको वो बेनिफिट दिलाने में एक्टिवली वर्क करती हैं एनरोलमेंट क्रॉस एनरोलमेंट जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन में है वो भी इंक्रीज हुआ है पहले फोर्टी एट परसेंट था अभी फिफ्टी सेवन परसेंट है ये सारा डेटा काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वेजेस जो है कैजुअल लेबर्स की वो इंक्रीज हुई है उसके साथ साथ लेबर का जो शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है पहले थर्टी परसेंट था अभी थर्टी थ्री परसेंट है एंड नेशनल पेंशन स्कीम पहले कवरेज में देखा जाता है नाइन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट कवरेज थी अभी एटीन पॉइंट जीरो फोर परसेंट कवरेज है तो एटीन परसेंट लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं नेक्स्ट है स्टंटेड स्टंटेड चिल्ड्रन चिल्ड्रन पांच साल के डेटा में अगर बात करते हैं स्टंटेड स्टंटेड का मतलब होता क्या है पहले तो ऐसा चाइल्ड जो अपनी एज से ज्यादा ही छोटा है या मैल नरिश्ड है उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं चाइल्ड मोर्टैलिटी के लिए रिस्क फैक्टर बन जाता है ये आगे जाके एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बेसिकली फिजिकल हो या फिर कॉग्नेटिव लेवल पे हो उसको हेम्पर करता है बच्चों में तो स्टंटिंग का जो लेवल है इन चिल्ड्रन वो भी डिक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर पहले थर्टी एट परसेंट था अभी थर्टी फाइव परसेंट है तो ये पूरा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एंड कितना पर कैपिटल फूड अवेलेबल है वो भी इंक्रीज हुआ है इंडिया का जो शेयर है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में वो इंक्रीज हुआ है एंड इसके साथ साथ जो जो की 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 तरफ हम बढ़ने की बात करते हैं तो एनर्जी का जो एनर्जी है पहले देखा जाता था के के अंदर की अभी 2022 से बीच में बोलते हैं हम तो ट्वेंटी टू परसेंट हो चुका है तो ये हम बात कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में देन रिन्यूएबल एनर्जी के

Growth हम देख रहे हैं की uh, की हमने recently बात की थी तो fiscal deficit important हो fiscal management important हो जाता जाता है है यहाँ पे हमारे लिए जो ट्रेंड है नेशनल डेट का तो डेट टू जीडीपी डी रेशियो जो है वो एटी फोर परसेंट है अभी एटी एट परसेंट है अभी कोविड नाइनटीन पैंडमिक के बाद एंड फिज डेफिसिट जैसा कि हमने कल बात भी की थी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एंड रिवेन्यू डेफिसिट टोटल रेवेन्यू रिसीट जो है हमारा दैट माइनस द टोटल दिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट टू जी डी पी रेशम कैसे कैलकुलेट करते हैं जो टोटल डेट है कंट्री का डिवाइडेड बाई दोटल जी डी पी ऑफ कंट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फिस्कल को मेंटेन करना मतलब कितना जो हमारी सरकार है वो खर्च कर रही है एंड कितना ऑन कर रही है उसका जो बैलेंस है उसको हम फिस्कल बोलते हैं अगर वो बैलें अगर वो ऊपर नीचे है तो फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा है तो अगर रिवेन्यू ज्यादा है एंड एक्सपेंडिचर कम है तो फिस्कल सरप्लस तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है देन इलेक्शन हो रहे हैं मेजर डेमोक्रेसीज में जैसे यूरोप के अंदर जियो पोलिटिकल कंसर्नस है जैसे वॉर है इशूज है बिटवीन इसराइल एंड गाजा रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उनकी वजह से भी डायरेक्टली फर्क पड़ता है एंड जैसा डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री की बात की जा रही है डोमेस्टिक लेवल पे जो डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री सूरत के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट है वो होती है है रशिया में अगर अनस्टेबिलिटी यूरोप के अंदर अगर अनस्टेबिलिटी है तो यहां हमारी भी जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमने देखा था जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है विद टाइम देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट और सेंटर्स को संभाल पाए तो रिसेंटली हमने देखा कि एलिगेशन लगे थे चीटिंग के पेपर लीक के यानरेगुलरिटीज के फॉर द नीट एग्जामिनेशन जो की एन टी ए कंडक्ट करता है तो एन टी ए सबसे पहले इसको एडुकेशन टेस्टिंग सर्विस जो यूएस के अंदर मॉडल है उस मॉडल पे बनाया गया था एंड आई बेसिकली डायरेक्टर जो थे आई के उन्होंने इस्टेब्लिश करने में रिकमेंडेशन अपनी दी थी वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज जैसे यूजीसी सीबीएसई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू आ जाता है अपने अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट किया करते थे बट 2017 में जब एनटीए को लाया गया वहां से

इफेक्टिव हो पाए एंड ट्रांसपेरेंट हो पाए सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बच्चों की लाइफ को कि आगे आने वाले टाइम में वो कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं एंड क्या करियर परस्यू करने वाले हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिसमें जेई मीनस नीट यू जी सी मैट जी पैट यू जी सी नीट ये सब आता है तो नेशनल एडुकेशन पॉलिसी वो ब्रॉडर रोल प्ले करती है एंड वो रिकमेंड करती है कि एन टी ए जो टेस्ट कंडक्ट करवाता है एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाता है ऑल ओवर दी अब वो ट्वेंटी एग्जामिनेशन के चार्ज में है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एन टी जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाए एंड उसकी उतनी कैपेसिटी हो पाए तो रन कौन करता है एनटीए को एनटीए के पास डायरेक्टर जनरल होते हैं अपने और एक गवर्निंग बॉडी होती है जो कि यूनियन गवर्नमेंट हमारी अपॉइंट करती है इसके अलावा अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इश्यूज़ इशूजिन so क्यों इतनी प्रॉब्लम हुई एन टी ए में एंड नीट के पेपर में इस बार तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ये इसीलिए किया जाता है ताकि इंश्योर कर किया जा सके कि जो इतने बड़े लेवल पे डेटा और जो टेस्ट सबमिट होंगे वो प्रोसेस होने वाले हैं Short period of time पे उसको आप make sure कर पाएं कि वो manageable हो for इसके अलावा में बात करते हैं, National Center. उसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है या फिर इतना IT, infrastructure ही नहीं है कि वो थर्ड पार्टी टेक्निकल पार्टनर्स के साथ एंगेज भी हो है. इसके अलावा थर्ड पार्टी प्लेयर्स जो भी इंगेज होएगा निक के साथ हेल्प करने के लिए मैनेज करने के लिए उनकी भी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रह जाती जिसकी वजह से लूप होल क्रिएट होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर तो अंडर स्टाफ की भी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी मैकेनिज्म की प्रॉब्लम है जैसे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर को आप कैसे सेट कर रहे हो इंक्रिप्टेड है कि नहीं है एक्सटर्नल प्रिंटिंग प्रेसेस को आप सिलेक्ट कर रहे हो एग्जाम सेंटर्स कैसे सिलेक्ट कर रहे हो देन जो प्रिंटिंग प्रेस हो चुका है उसको आप पेपर्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करें डिफरेंट सेंटर्स पे तो पूरा जो प्रोसेस है कलेक्शन का प्रिंटिंग का ट्रांसपोर्टेशन का जो इवेलुएन शीट्स है हमारी आंसर शीट्स हैं कैसे आप कर पाओगे उस पूरे प्रोसेस को सो so, नीट और यू यूजीसी नेट एग्जाम जो है उसमें हमने की हमने देखी ग्रेस मार्क की हमने प्रॉब्लम देखी विद फि अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन हंड्रेड एंड डिले देखा क्योंकि सेवन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे डिले देखा गया था तो वो रीजन स्टेट किया गया इसीलिए इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए बट जैसा कि हमने देखा केसेस में जो पुलिस ने पकड़ा भी है कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑलरेडी लीक हो चुका था तो कॉम्प्रोमाइज इंटेग्रिटी हो चुकी थी ऑलरेडी तो क्या किया जाना चाहिए वॉट नीड्स टू बी डन टू रिफॉर्म द इंडियाज एग्जामिनेशन प्रोसेस इतने सारे लूप होल हमने हाई ऑफिशियल बॉडी के अंदर देख लिए तो हम क्या कर सकते हैं तो के राधा कृष्णन कमेटी है जो कि हमें बताती है कि एक पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होने चाहिए कि डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए जो वैल्युएशन शीट से वो कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए एंड ऑल्सो एंटी की फंक्शनिंग कैसे हो रही है उसकी एफिशिएंसी हमें मेंटेन करनी चाहिए जिसके लिए मैन पावर को ऐड करना चाहिए

को लेके एक एरर हुआ था जिसमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एडमिट किया कि पेटेंट की फाइलिंग के टाइम पे के लिए एरर हो गया तो आईसीएमआर उनको इंक्लूड नहीं किया गया एस को इनवेंटर्स सो जो गवर्निंग राइट्स हैं वैक्सीन पेटेंट्स के लिए तो इंडिया का जो पेटेंट लॉ है वो कवर करता है प्रोडक्ट को भी एंड जो प्रोसेस है पेटेंट का उसको भी तो जो प्रोडक्ट है पेटेंट का वो मोनोपोली ग्रांट करता है ओवर दी ड्रग कि इस कंपनी ने ये पेटेंट ये प्रोडक्ट बनाया है तो आपको उसकी कॉपी नहीं कर पाएंगे कंपटीटर्स को प्रिवेंट करता है कि वो सेम स्टेप्स को फॉलो करके सेम प्रोडक्ट बना दे बस वो नेम चेंज कर देते हैं तो वो होने से प्रिवेंट करता है इसके अलावा पेटेंट्स कौन ग्रांट करता है तो सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो कन्फर्म कर सकती है पेटेंट की ग्रांटिंग एंड जो भारत भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है उसको अभी तक पेटेंट नहीं मिला है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोलैबोरेशन में बनाया था बी के साथ मिलके वैक्सीन को एंड क्योंकि फाइलिंग में एरर हो गया इसीलिए आईसीएमआर को इंक्लूड ही नहीं किया जा सका तो आईसीएमआर जो है उसने क्लिनिकल ट्रायल्स को भी फंड किया था तो ज्वाइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो पाई है इसलिए इम्पोर्टेंट है आईपीआर राइट्स एंड उसकी फाइलिंग कैसे हो रही है वो भी इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें कॉम्पिटेटिवनेस को तो ये बढ़ाता है बट जो डुप्लीकेसी है ऐसे इसेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर उसको ये कम करता है Then next we are talking about what is holding अब दी तीस्ता ट्रीटी तो तीस्ता रिवर की बात करते हैं यहाँ पे जो ट्रीटी हमारी होने वाली है बांग्लादेश के साथ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट कैसे करें हम तीसरा रिवर का वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश तो ट्रांसबाउंड्री रिवर है तो इंटरनेशनल लॉज के थ्रू मैंडेटेड है जिसको हम हेल्थ की रूल्स बोलते हैं आर्टिकल टू फिफ्टी थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू एंटर सच ट्रीटीज विद अदर गवर्नमेंट्स फॉर ट्रांसबाउंड्री रिवर वाटर इशूज तो वेस्ट बंगाल का यहाँ पे कंसर्न है रिगार्डिंग शेयरिंग रिगार्डिंग हाउ इट विल बी शेयरिंग दीस्टाज वाटर विद बांग्लादेश वो बोलता है कि सीवियरली इम्पैक्ट करेगा ये नॉर्दर्न बंगाल में रहने वाले लोगों को अगर हम ऐसे पानी को शेयर करेंगे विद बांग्लादेश तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इस वजह से बांग्लादेश अपोज करता है सजेस्ट करता है कि कोई ऑल्टरनेटिव रिवर के साथ हम शेयरिंग हमें शेयरिंग करनी चाहिए रादर देन शेयरिंग दी वॉटर ऑफ तीस्ता तो बायोलेटरल वाटर शेयरिंग इश्यूज देखे जा रहे हैं इंडिया एंड बांग्लादेश की बात करते हैं तो फिफ्टी फोर रिवर्स दोनों गंगा एग्रीमेंट जो है वो पेंडिंग है हमारी 2011 से, लेके अभी तक क्योंकि वेस्ट बंगाल अपोज करता है उसको इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने भी कंसर्न रेज किए हैं कि जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो भी हम हाइड्रो पावर डैम्स बना रहे हैं टीसता रिवर के अंदर उनकी वजह से भी कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है जैसा कि ट्वेंटी थ्री में भी हमने देखा था ग्लेशियर लेक आउटबर्स तीस्ता रिवर के अंदर ही सिक्किम में तो वो भी जो डाउनस्ट्रीम वाले एरियाज हैं उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा तीस्ता रिवर टीएसओ लहामो लेक से ओरिजिनेट होती है नॉर्थ साइड ऑफ सिक्किम में देन वेस्ट बंगाल में ट्रेवल करती है एंड देन बांग्लादेश में एंटर करती है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र के फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांस ट्रांसबाउंड रिवर है बांग्लादेश बांग्लादेश के सो so ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वेस्ट बंगाल उसको अपोज कर रहे इस वजह से अभी तक ये वाटर ट्रीट हमारी शेयर नहीं हो पाई अभी तक आर यू हीटिंग बायो अवेलेबल जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी जो है वो हंड्रेड परसेंट ब्रेक डाउन नहीं कर सकती किसी भी न्यूट्रिय को एंड जैसे कि कुक्ड कुक्ड ऑयल की बात करें यहाँ पे ऑइल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वन परसेंट फॉर प्रोटीन वाइल प्रोटीन फ्रॉम रॉ एग्स इज ओनली फिफ्टी परसेंट बायो अवेलेबिलिटी सो बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो होता क्या बायो अवेलेबिलिटी ये एक तरीके से एक रेट है हमारे खाने के अंदर कि कितना अमाउंट ऑफ किसी इंग्रेडिएंट से किसी भी खाने से जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितने अमाउंट में बेसिकली एब्जॉर्ब हो पा रहे हमारी बॉडी में तो कोई भी ड्रग है या कोई भी खाना है कितना कंप्लीटली अवेलेबल है वो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जैसे एंटी की बात कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटामिन सी की लो है इनकी बात कर रहे हैं बैड कॉम्बिनेशन आयरन और कैल्शियम को साथ में नहीं लेना चाहिए कैल्शियम जो है वो कम्पीट करता है विद आयरन फॉर एब्जॉर्ब तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा खाना हम कौन सा मिनरल साथ में ले रहे हैं जैसे कि विटामिन डी को हमेशा हम खाना खाने के बाद लेते हैं क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होता है एंड उसके लिए डायट्री फैट्स का होना जरूरी हो जाता है तो कैल्शियम एंड विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों होता है तो विटामिन डी जो है वो मदद करता है कैल्शियम के और ज्यादा एब्जॉर्प्शन में सो so बेसिकली जो खाना आप खा रहे हो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको देखना होगा कि किस कॉम्बिनेशन में आप खा रहे हो जैसे कैल्शियम को विटामिन डी में खा रहे हो तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, हो गई बट अगर कैल्शियम को आप आयरन के साथ खा रहे हो तो वो कॉम्पिटेटिवनेस की वजह से कैल्शियम उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी के अंदर तो ऑक्सीट्स एंड कैल्शियम है स्पिनिज जो ऑक्सीलेट्स में हाई होता है डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि कैल्शियम में हाई होते हैं तो ऑक्सीलेट्स जो है वो अपने आप को बाइंड कर लेते हैं कैल्शियम से जिसकी वजह से वो इनसोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं एंड वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हो, उस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर तो बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ भी कम्पीट करते हैं फॉर एब्जॉर्ब तो ताकि एब्जॉर्बशन हमारी बॉडी में न्यूट्रिय का अच्छे से हो पाए हमारे लिए जरूरी है कि जो बायो अवेलेबिलिटी है जैसे कि कैल्शियम की बात कर रहे हैं के के साथ then vitamin D के साथ different, different है. So ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। so different है तो ये कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ Then नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन स्टेम फैब्रिक एंड हाउ इट इज ऑफरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम pesticides। तो so बेंगलुरु के अंदर ये इंस्टीट्यूट है फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिंस यहाँ पे इस एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक को बनाया गया है जो कि बेसिकली और ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसका इंपैक्ट नहीं हो पाता आपकी बॉडी के अंदर एंड डीएक्टिवेट कर देते हैं बेसिकली इन पेस्टिसाइड्स को सो so, ईस्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं पेस्टिसाइड्स किसी कि जरूरी होता है इम्पैक्ट तो ना कर पाए एंड हमारी बॉडी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आ पाए इन हार्मुल पेस्टिसाइड्स के इसके लिए ये जरूरी हो जाता है एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक तो रीयूजिलिटी इसकी फिफ्टी साइकिल बार आप इसको रीयूज कर सकते हो

इसीलिए इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री फ्रेंडली केमिकल जिसको यूज किया गया है इस फैब्रिक को डेवलप करने के लिए एंड हेल्थ इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए सो एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक अबाउट मार्स क्वेक्स सो मार्स क्वेक्स की बात करते हैं मार्स क्वेक्स क्या है मार्स के प्लानिट पे जो भी अर्थ आता है उसको हम मार्स क्वेक बोलते हैं जैसे अर्थ के ऊपर सिस्मिक इवेंट्स होते हैं वैसे ही वहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है जो एनर्जी हो गई होती है, और क्रस्ट के अंदर, उसकी वजह से शेकिंग होती है और पे, और क्रस्ट की। तो जैसे यहाँ देखा जा रहा है कि कैन मेटोरॉय स्ट्राइक स्ट्राइक्स तो मेटोरॉय स्ट्राइक की वजह से क्या ऑर्थ कुएक आ सकता है वहां पे सो so, मेटोरॉइड का इंपैक्ट पहली बार देखा गया जिसमें फाइंडिंग हुई कि 200 से लेकर 300 के बीच में मेटेराइट स्ट्राइक्स हुई हैं मार्स के ऊपर हर साल जिसकी वजह से क्रेटर्स फॉर्म हुए हैं एंड डेटा का यूज किया गया है यहाँ पे इनसाइट मिशन टू मार्स जो कि नासा का प्रोग्राम है नासा का मिशन है जहाँ पे मेटेराइट्स के इंपैक्ट को बेसिकली आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है यहां पे hmm. वो जीरो करता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इन साइड मिशन यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नासा का मिशन है टू थाउजेंड एटीन के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था एंड जो मार्स पे जो और मार्स पे जो, जो क्वेक्स होते हैं उसी को डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड करने के लिए ये पूरा मिशन है सेस्मिक मॉनिटरिंग के लिए जिसमें हमें इंटीरियर के बारे में भी पता चलता है कि मार्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी थिकनेस कितनी है क्रस्ट की थिकनेस कितनी है मैंटल की क्या प्रॉपर्टीज है एंड सॉलिड या लिक्विड कोर जो है उसका पोटेंशियल प्रेजेंस कितना है तो वो हम सेस्मिक एक्टिविटीज को स्टडी करके पता लगाते हैं Then next, next is regarding. Then next is regarding. Uh, India lacks diagnostic tests for emergent infectious diseases. So, here an important case given, Zika virus infection. जिसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इमर्जिंग इंफेक्शियस डिजीज़ है इस वजह से उतने लेवल पे हम डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए एंड टेस्ट कैसे होना चाहिए वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो ज़िका वायरस मॉस्किटो बॉर्न पैथोजन वायरस है जो कि फ्लैवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है एंड इसी फैमिली में डेंगू भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है डेंगू भी तो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जिसके सिम्टम्स माइल्ड से लेके सीवियर तक जाते हैं अगर बात करते हैं टेस्टिंग की एंड डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए तो उसके बारे में उसके लिए लीड करता है सी डी एस सी ओ जो कि अप्रूवल देता है बेसिकली कि डायग्नोस्टिक्स कैसे होना चाहिए एंड अभी तक कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है जिका वायरस के लिए अप्रूव नहीं हुआ है तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो इमोर्जिंग इन्फेक्शस डिजीजेस हैं ऐसी तो कैसे हम उनको डायग्नोस्टिक करेंगे क्योंकि जिका वायरस का केस हमने लास्ट ईयर से देखा केरला के अंदर भी महाराष्ट्र के अंदर भी पुणे के अंदर भी हम देख रहे हैं तो टेस्टिंग को कैसे हम इंक्रीज करेंगे जब हमारे पास कोई आइडेंटिफाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट है ही नहीं अभी तक जिका वायरस को लेकर ऐसे ही नेपाल वायरस आउटब्रेक्स हुए थे 2001 से लेके सेवन के बीच में वेस्ट बंगाल में एंड देन रिसेंटली केरला के अंदर तो यहाँ पे भी एक तरीके से इनडायरेक्ट मेथड से आप क्लिनिकल क्लिनिक्स में आके वायरस को डिटेक्ट कर रहे हो बट कोई भी ऐसे रैपिड टेस्ट हमारे पास नहीं है जो कि हमारे पास कोविड के केस में था तो नेपा वायरस जिका वायरस ऐसे जो वायरसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं कोविड नाइनटीन पैंडमिक के बाद से कैसे हम उनको डील करेंगे तो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन वायरसेस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है हमारे हॉस्पिटल्स में मेडिकल को हमें और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए and then ये भी फोकस करना चाहिए कि जो rapid testing होंगी, उनको हम एक्सेसिबल बना पाए तो बजट फ्रेंडली भी हो ये एंड ऑल्सो इफेक्टिव भी हो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन टू न्यू बेनिफिशियरीज़ तो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सेवेंटी फाइव थाउजेंड नए बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया है अधिकार पत्र की बात हो रही है यहाँ पे कौन सी स्कीम के अंदर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जिसमें सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड बेनिफिशियरीज को ये पेंशन के बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था इसमें हरियाणा के लिए एच के लिए देख सकते हैं इसको हम नेक्स्ट की बात करते हैं फ्लड स्ट्रॉम्स साइक्लोन्स एवलांचेस ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है जो कि इंडिया क्लाइमेट चेंज के साथ फेस कर भी रहा है एंड इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी रही है तो ताकि जीरो कैजुअलिटी की तरफ हम बढ़ पाए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि स्पेसिफाइड मॉनिटरिंग के लिए एंड वर्किंग के लिए हम डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में भी एक फोर्स को डिप्लॉय करें तो इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है एनडीएमए नेशनल लेवल पे एंड एसडीएमए स्टेट लेवल पे जिसके अंदर हमारे पास एनडीआरएफ है दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जिसका बजट भी इंक्रीज कर दिया गया फ्राम सिक्सटी सिक्स थाउजेंड करोड़ टू टू लाख करोड़ जिससे हम देख सकते डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, वो important हो जाता है के लिए। तो स्टेट लेवल पे भी स्टेटर हमारे पास है एंड उसका भी बजट हमने यहाँ पे इंक्रीज करने की बात किया है तो एस डी आर एफ एंड एन डी आर एफ का जो रोल है वो जरूरी है एंड जरूरी है हमारे लिए कि वहाँ पे इनफ पर्सनल हमारे पास दे...

डिजास्टर्स की भी फ्रीक्वेंसी है इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के साथ वो इंक्रीज हो रही है जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है हमारे बजटरी एलोकेशन के अंदर भी क्योंकि हमने वो भी इंक्रीज किया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है सेविंग ह्यूमन लाइफ इज नॉट आर ओनली ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग दायर्स बट वी हैल्ड

ट्यूबोकलोसिस के डिटेक्शन के लिए ये हमें और भी ज्यादा हेल्प करेगा एक तरीके से तो यूएस में डेवलप किया गया है इसको एंड इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं रेडियो ट्रेसर है ही एक तरीके से जो कि लाइव टीबी बैक्टीरिया को लेगा बॉडी के अंदर अंदर से एंड देन रेडियो एक्टिव कंपाउंड को यूज करके थ्री इमेज स्कैनिंग करेगा सो एफ डी टी जो रेडियो ट्रेसर है दैट इज कॉल्ड एफ डी टी यहाँ पे अगर टीबी की भी हम बात करते हैं तो टीबी रिपोर्ट जो इंडिया की भी थी उसमें हमने देखा था कि जो मोर्टैलिटी रेट है इंडिया के अंदर वो डिक्रीज हुआ है जो कि शोकेस करता है कि इंडिया के अंदर भी जो हमारा अर्ली डिटेक्शन सिस्टम है एंड देन जो कवरेज है ओवरऑल फॉर द टीबी पेशेंट्स वो इंक्रीज हुआ है तो टारगेट हमारा जो है कि टीबी को हम एलिमिनेट कर पाएंगे By 2025, उसके पास हम बढ़ रहे हैं बट अभी भी कुछ हमारे प्रॉब्लम हैं जिसमें जो डेटा है वो कई बार मेंटेन नहीं किया जाता ढंग से या फिर बीच में ही कुछ पेशेंट अपने जो टेस्टिंग है एंड अपने जो ट्रीटमेंट है उसको छोड़ देते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निक्शय मित्र प्रोग्राम जो कि डोनेशन की बात करता है एंड ऑलरेडी जो हमारे टीबी के पेशेंट्स हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं या फिर उनके पास मोनिटरी सपोर्ट नहीं है उन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ना उनका डेटा मेंटेन करता है एंड टीबी के साथ बहुत सारी और भी जो प्रॉब्लम्स है वो एसोसिएटेड होती है जिसमें अंडर नरिशमेंट एच डायबिटीज एल्कोहल और टोबेको का यूज़ होता है जिसकी वजह से टीबी का जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि जैसे यहाँ पे रेडियो ट्रेसर की बात हो रही है जिसमें थ्री डी एमेजेस बनाई जाएंगी स्कैन करके नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत है ताकि अर्ली डिटेक्शन ढंग से हो पाए फॉर टीबी टीबी क्योंकि बात करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है जिसमें बाइ माइको बैक्टीरियम ट्यूबोकलोसिस बैक्टीरिया का नेम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंड वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके इम्पैक्ट करता है जिसमें लंग्स हो सकते हैं तो एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आप हैं, एंड पुअर वेंटिलेशन है उस जगह पे तो भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं टीबी को तो टीबी जरूरी है हमारे लिए की टीबी का ट्रीटमेंट हम कर पाए अर्ली डिटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है एंड देन उसके लिए हमारे पास ड्रग्स क्या अवेलेबल हैं एंड क्या वो ड्रग्स एक्सेसिबल भी हैं सबके लिए वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है जिसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान इंडिया के अंदर ऑलरेडी है निक्षय पोषण योजना ऑलरेडी है रिपोर्ट इंडिया जो कि इंडिया और यूएस का जॉइंट वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है जिसके अंदर दोनों कंट्रीज मिलके कोलैबोरेट करती है ताकि डिफरेंट वैक्सींस को वो बना पाए ना अफोर्डेबल बना पाए उन वैक्सींस को फॉर दी पीपल इन इंडिया एंड फॉर दी पीपल इन यूएस आल्सो तो ड्रग्स की अगर बात करते हैं अभी कौन-कौन से ड्रग्स अवेलेबल हैं तो इसमें आइसोनियाज़िड अवेलेबल है आई एन एच माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंड रिफैमी पाइसिन आर आई एफ ड्रग अवेलेबल है तो ये दो ड्रग्स है जो की अवेलेबल है अभी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए एंड ऑल्सो ऐसी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी वन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विदरकारी थैंक यू